वेलकम टू द एम एस साइंस अकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन के पार्ट टू के बारे में और इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक हमने देखा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लूड्स सर्कुलेट करता है उसके अंदर अलग अलग सेलुलर पार्ट होता है अब ब्लड को सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए या सर्कुलेशन फोर्स प्रोवाइड करने के लिए मेन मोटर या मेन पंप सिस्टम कौन सा होता है हार्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है और ये हमारी बॉडी के थॉरेसिक कैविटी के पास थॉरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि लंग्स के पास होता है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होता है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होगा और लेफ्ट साइड शिफ्टेड होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड होगा थोड़ा सा ऑब्लिक प्रेजेंट होता है यहाँ पर जो हार्ट है वो हमारे एक फीस्ट शेप का होता है मुट्ठी जैसा अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट अराउंड 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है इसकी लेंथ करीबन 9 टू 12 सेंटीमीटर तक होती है अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हार्ट के अंदर फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चैम्बर्स में फ्लो करता है यहाँ पर जो हार्ट है वो उसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम दैट इज नोन एज द पेरी कार्डियम में इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम सेकेंड मायोकार्डियम एंड थर्ड वन एंडोकार्डियम हार्ट की वॉल जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं तीन लेयर से मिलकर बनी होती है फर्स्ट इज एपिकार्डियम कार्डियम सेकेंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इज द एंडोकार्डियम ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है अपर चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं जो अपर साइड में आपका लेफ्ट साइड में है दैट इज लेफ्ट एट्रियम जो आपका लोअर साइड में लेफ्ट साइड में है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका अपर राइट साइड में है दैट इज राइट एट्रियम और आपका जो राइट लोअर साइड में है दैट इज राइट वेंट्रिकल अब यहाँ पर ये चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं यहाँ पर जो आपका लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय सेपरेट रहता है। ये जो वॉल है दैट इज कस्पिड और मिट्रल वॉल। बेसिकली वॉल्व क्या होते हैं वॉल्व ब्लड के एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो को मेंटेन करते हैं यहां पर राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाय कस्प होते हैं इसको बाय कस्पिट क्यों कहते हैं बिकॉज इट कंटेन टू कस्प लाइक स्ट्रक्चर ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें दो फ्लैप होते हैं इसीलिए इसे बाय कस्पिड वॉल्व कहा जाता है या मिट्रल वॉल्व कहते हैं सेम यहाँ पर राइट right एट्रिया और राइट right वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है अब यहाँ पर इसके अंदर ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तीन फ्लैप लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं यहां पर जब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है अब सपोज दैट ये ब्लड बाहर की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करता है देखिए इसमें लेफ्ट एट्रिया से ब्लड धीरे-धीरे ये आ गया है फ्लैप के खुलने से अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड ये वापस अगर ऊपर की तरफ आने लगेगा तो ये फ्लैप या कस्प बंद हो जाएंगे तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आपके वॉल्व है या कस्पिट सिस्टम है ये ब्लड के यूनिडायरेक्शन डायरेक्शन फ्लो को प्रोवाइड करते हैं जो राइट right पार्ट है इट कैरीज डी ब्लड राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right एट्रिया और राइट right वेंट्रिकल में बेसिकली फंक्शन होता कैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि लेफ्ट एट्रिया में ब्लड प्रोवाइड होता है पूरी बॉडी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटे शेप का बना लेती हूं ताकि यहां पर लंग सिस्टम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं उससे हमें आई थिंक पूरी आ, उसको डिटेल को हम ढंग से समझ पाएंगे ये हमारा हार्ट सिस्टम है यहां तक ये यह आपका ट्राइकस या आपका बाइकस आपका लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल रिपीट कर लीजिए लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल इनके बीच में या मिट्रल लेकिन राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल ट्राइक स्पिड वॉल अगर आपको बायकस्पिड ट्राइक स्पिड में समझ थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो ये ध्यान रखिए ट्राई में सेकेंड नंबर पे आर आ रहा है मतलब कि ये राइट कस्पिड राइट वाला पार्ट है ठीक है आर फॉर राइट और टी आर आई में ट्राई कस्पीड में टी आर आता है तो आप ये समझ जाइए कि ये राइट right साइड वाला है क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अब यहां पर जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है फ्रॉम लंग्स से फ्रॉम लंग्स से लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन ये क्या होती है पल्मोनरी पल्मोनरी वेन वेन दोनों लंग से दो pulmonary vein बाहर निकलती हैं राइट लंग से लेफ्ट लंग से दोनों लंग से एक एक पल्मोनरी वेन आती है और ये ओपन होती है कहां पर आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे ओपनिंग होती है एक बड़े पाइपलाइन की जिसे हम बोलते हैं एरोटा जिसे हम क्या बोलते हैं एरोटा अब यहां पर जो आपका राइट पार्ट है राइट पार्ट हमने कहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लैक कलर से बताती हूं, black, पूरी बॉडी से ब्लड डी ब्लड यहाँ तीन पाइपलाइन के थ्रू आता है फर्स्ट सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर बॉडी पार्ट से हमारे चेस्ट से अपर हमारे एबडोम से अपर वाला जो पार्ट है वहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है और यहां ओपन किया जाता है उसके बाद हमारे एब्डोमेन से नीचे वाला पोर्शन कहलाता है इंफीरियर पार्ट वो है आपका इंफीरियर केवा। और एक और तीसरी ब्रांच कोरोनरी साइनस ये तीन ब्रांच ओपन होती है और आपके राइट एट्रिया में ओपन होती है हमने कहा सुपीरियर वेना के वह अपर पार्ट से लेके आती है इनफीरियर वेना के वह लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और जो कोरोनरी साइनस है कोरोनरी साइनस हमारे खुद हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है भाई हार्ट भी तो काम कर रहा है अगर हार्ट काम कर रहा है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी वहां की मसल्स में तो वहां पर ये जो कोरोनरी साइनस है वो हार्ट के मसल से ही क्या करेगा डी ब्लड कहां लेके आएगा राइट right एट्रियम right 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 में राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है कहां पर लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टरीज आर्टरीज कैरीज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड वेयर एज द वेन कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन यहां पर एक जो है एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन एक वेन एक होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो ये बात आपके कई बार एक या दो मार्क्स में पूछी जा चुकी है कि नेम द आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेम द वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पल्मोनरी वेन है इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज द ऑक्सीजन इट इट कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ये कहा लेके जाएगी ये ब्लड को लेके जाएगी आपके लंग्स वाले सिस्टम में यहां पर मैं दो लंग्स बना देती हूं और ये एक यहां पर और ये दो ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग में समझ में आ रहा है लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड। अब यहां पर जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ओपनिंग किसकी है पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग किसकी है एरोटा पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आ रही है ब्लड लंग से एरोटा पूरी बॉडी एरोटा कहां लेके जाएगा ब्लड को कंप्लीट बॉडी या ये चला जाएगा फॉर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को या पूरी सेल्स के अंदर ब्लड पूरी बॉडी की सेल्स तक प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा अब यहां पर जो जब हमारी सेल्स वर्कआउट करेंगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड तीन मेन जो पाइपलाइन है उनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाता है राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है सुपीरियर वेना के वह सुपीरियर वेना के वह अपर पार्ट से लेके आएगी इन्फीरियर वेना के वह लोअर पार्ट से लेके आएगी एंड कोरोनरी साइनस खुद हार्ट की मसल से जो प्योर ब्लड है उसे लेके आएगा राइट right से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से दो आपकी एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जिसकी दो ब्रांचेस आपके राइट लंग और एक लेफ्ट लंग में ओपन हो जाती है फॉर द और वहाँ पर एल्विलर सेक के थ्रू वो अपनी अपनी ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड उस वहां पर डोनेट करती है और उससे ऑक्सीजन ले लेती है इतना समझ में आ गया अब यहां पर कैसे हार्ट वर्कआउट करता है वो हमें देखना है यहां पर हार्ट का यहां पर इसको मैं ऐसे लिख देते हैं यहां पर हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन क्या कहलाता है आपका आपका हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन सिस्टोल कहलाता है और हार्ट का डायलेशन यानी रिलैक्सेशन डायलेशन कहलाता है आपका क्या कहलाता है सिस्टो डायस्टोल यानी कि जब हार्ट डायलेट होगा फैलेगा तो उसे हम बोलेंगे डायस्टोल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम उसे बोलेंगे सिस्टोल अब ऐसा कब होता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारी जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन एक ही टाइम पे होता है उससे पहले हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एसे एसे नोड़। एसे नोड़। एसे नोड़ एस ए नोड की एस ए नोड एसे नोड इज द साइनो नोड इस इसका फुल है नोड और इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं पेस मेकर मतलब वो जो कि हार्ट बीट को या हार्ट इंपल्सिस को जनरेट करता है और ये किस साइड पे होता है राइट एट्रिया साइड पे यहां पर ऐसे नोड इंपल्सिस को हार्ट इंपल्सिस को जनरेट करता है एक्चुअली ये, ये यहां पर पूरा का पूरा नर्व का गुच्छा होता है जिसे ऐसे नोट कहते हैं अब जब नर्वस सिस्टम से यहाँ पर इम्पल्स आती है तो ये इम्पल्स इस तरह से फैल जाती है इम्पल्स आएगी फैल जाएगी इम्पल्स आएगी फैल जाएगी इसी वजह से हमारे हार्ट के अंदर पूरे हार्ट के अंदर वो पूरा काम रिदमिक वे में होता है मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट एट्रिया जाग रहा है उसके बाद राइट एट्रिया जाग रहा है फिर वेंट्रिकल सोया पड़ा है इसका मतलब ऐसा नहीं होता है यानी कि प्रॉपरली हर काम रिदम से होता है और रिदम से होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड एक प्रॉपर इम्पल्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारे हार्ट में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बना रहे अब सबसे पहले होता क्या है कि जब लंग से लेफ्ट एट्रिया में प्योर ब्लड आ रहा है इधर देखिए ये आपका एट्रिया है ये एट्रियल वाला पार्ट है और ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट है एट्रियल के अंदर ब्लड की फिलिंग सेम टाइम पे होगी एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग सेम टाइम पर होगी यहाँ पर लंग्स जिस ड्यूरेशन में पूरी बॉडी का प्योर ब्लड लंग्स से प्योर ब्लड जब यहां पर लेके आएगा उसी ड्यूरेशन में पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड राइट एट्रिया में आएगा अब अगर राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को फिल करना है तो उसको रिलैक्स होना पड़ेगा वो रिलैक्स हो रहा होगा यानी कि वो डायलेट हो रहा होगा जिसे हमने क्या बोला है डायस्टोल वो डायलेट हो रहा है डायस्टोल वो अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है ताकि वो एक्स्ट्रा ब्लड को एकोमोडेट कर सके अब वो डायलेट हो रहा है जब वो डायलेट हो रहा है तो उसी ड्यूरेशन में जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप मेरे हाथों के मूवमेंट को देखिए जब ये आपका एट्रिया जब ये एट्रिया ये देखिए नॉर्मल पोजिशन है जब एट्रिया आपका डायलेट हो रहा है तो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर एट्रिया में फिलिंग हो रही है और उसी ड्यूरेशन में लेफ्ट एट्रिया से जो ऑलरेडी ब्लड था वो एरोटा के थ्रू निकल गया है और राइट एट्रिया से ब्लड पल्बोनरी के थ्रू लंग में निकल गया है तो यहां पर ये यहां पर ये ये देखिए देखिए पर कि डायलेशन हो गया ये, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया अब यहां पर जब एट्रिया की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है जब एट्रिया की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और यहाँ पर वेंट्रिकल रिलैक्स होना यानी कि डायलेट होना शुरू होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डायलेट होते हैं ये डायलेट होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डायलेट ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये डायलेट समझ में आ रहा है आप मेरे हाथों को मूवमेंट को देख सकते हैं तो यहाँ पर जब लेफ्ट एट्रिया और राइट right एट्रिया के अंदर आपका कॉन्ट्रेक्शन शुरू होगा तो वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल शुरू होगा जैसे यहां पर शुरू होता है, ये कस्पिड ओपन हो जाते हैं क्यों क्योंकि ब्लड का प्रेशर इतना एग्जॉट होता है कि ये नीचे की तरफ ये कस्प ओपन हो जाते हैं नीचे गिर जाते हैं और यहां से ब्लड की यहां पर आने लग जाता है लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ गया राइट वेंट लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया अब यहां पर जैसे ही ये कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन और ये डायलेशन कंप्लीट होता है समझ में आ रहा है अब यहां पर वेंट्रिकल्स फुल हो गए वेंट्रिकल्स फिल हो गए अब यहां पर जैसे ही ये आपका कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट हुआ तो ये रिलैक्सेशन शुरू होगा और ये कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाएगा ठीक है तो जब यहां पर डायलेशन यहां पे कॉन्ट्रेक्शन जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन तो यहां डायलेशन अब यहां पर जो ब्लड आ चुका है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right एट्रिया से राइट वेंट्रिकल कस्प के ओपन के थ्रू आया है ब्लड अब जैसे ही ये डायलेट होंगे तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे अब जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं ब्लड पीछे की तरफ भी मूव करने लगता है ब्लड तो सब तरफ मूव कर रहा है जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ आता है ये कस्प ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ आता है ये कस्प ऊपर की तरफ क्लोज हो जाते हैं, जिससे ब्लड बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाता अब ब्लड के पास केवल एक रास्ता बचता है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी यहां पर यह पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट और लेफ्ट लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन क्या कहलाता है आपका कार्डियक साइकिल कहलाता है और एक कार्डियक कार्डियइकिल कंप्लीटली होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं और ये जो हार्ट बीट है ये जो साउंड है इट इज कॉल्ड द लब डब साउंड आर फॉर क्लोजिंग द वॉल, जब ये आपके वॉल क्लोज हो रहे होते हैं तब आपकी लबडब साउंड प्रोड्यूस होती है अब यहां पर जो आपका हार्ट बीट है वो हार्ट बीट क्या है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन और ठीक है यह आपका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन तो ये एक रिदमिक रिलैक्सेशन जो है आपका क्या कहलाता है हार्ट बीट कहलाता है अब यहां पर कंटिन्यूसली ये क्या हो जाता है आपका हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट होता है और इसे ही सिस्टोल डायस्टोल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल एक कार्डियक साइकिल के अंदर आपका करीबन पॉइंट एट सेकेंड का ड्यूरेशन लगता है एक कार्डियक साइकिल में फर्स्ट आपका एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं कार्डियक साइकिल के अंदर यहां पर जो हार्ट बीट है हमारी हार्ट बीट करीबन 72 से 80 पर मिनट होती है और यही हमको पल्स की फॉर्म में भी दिखाई देती हमें सुनाई देती है पल्स यू कैन मेजर इन द रेडियल आर्टरी जो कि अब अगर आप अपने थंब के पास इसको फील करेंगे तो आप देखेंगे कि थ्रोबिंग मूवमेंट हमें महसूस होता है सकते हैं आपके थम्ब वाली जो रेडियल उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं है, है. यहां पर जो आपका पल्स है वो बिल्कुल सेम रहेगा हार्ट बीट के इक्वल रहेगा अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर क्या होता है जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल के ड्यूरेशन में जब हमारा ब्लड आर्टरीज़ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो क्या कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर तो यहां पर ब्लड प्रेशर क्या है प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू सिस्टोल एंड डायस्ट्रोल ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल्टो को आप इस तरह से लिखें ड्यूरिंग सिस्टोल एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल कुछ बच्चों को सिस्टोल और डायस्टोल के वर्ड में भी कंफ्यूजन होता है कि डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन है, है या रिलेक्सेशन है ये हम नहीं समझ पाते मैडम तो इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है कि डी फॉर डायलेशन डायलेशन मतलब फैलना डी फॉर डायलेशन मतलब डायस्टोल सिस्टोल मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट कर दीजिए एक याद हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली इसको आप सेट कर लेंगे तो यहां पर ब्लड प्रेशर क्या है प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लो ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड डायस्टोल तो यानी कि आपका कॉन्ट्रेक्शन के ड्यूरेशन में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो ज्यादा होता है और आपका डायस्टोल के ड्यूरेशन में जो प्रेशर है वो कम होगा तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज वन ये आपका वन से एटी एम एम ऑफ एच एडी आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज द स्पिग्नो मैनोमीटर स्पिग्नो मैनोमीटर स्पिग्नो मैनोमीटर में आप एक कफ जो है वो आपने यहां पर बांधते हैं अपने इसमें और फिर एक पूरा कॉलम होता है और एक उसके अंदर पम्प जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको आप जो है उसमें आप गैसेस करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर आपको एक रीडिंग होती है फिर स्टैटोस्कोप से उसको यहाँ रख के फिर वो लबडब साउंड को चेक किया जाता है तो वहाँ पर आपका ये करीबन है आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वन ट्वेंटी और डायस्टोलिक प्रेशर है एट्टी एम एम ऑफ एट जी अगर इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है सपोज दैट ये प्रेशर हो जाता है करीबन आपका ये हो जाता है आपका 150 से 90 की रेंज में हो जाता है तो इट इज नोन एज द हाइपर टेंशन जब यहां पर अगर ये प्रेशर कम हो जाता है 110 से 70 का तो इट इज नोन एज द हाइपोटेंशन यहां पर प्रेशर कम हो रहा है यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है अब हम बात कर लेते हैं हमारे डबल सर्कुलेशन की जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है कैसे हम बात करें अगर इसमें तो देखिए हमारे हार्ट में एक ही बार में दो बार ब्लड फ्लो हो रहा है एक तो लेफ्ट साइड में और एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में तो यहाँ पर एक ही बार में हार्ट के अंदर दो बार ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से डबल सर्कुलेशन को जिसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहले हम एक एरो चार्ट बना लेते हैं कि कैसे क्या क्या होता है डबल सर्कुलेशन में हमने कहा कि हार्ट के अंदर दो बार सर्कुलेशन होता है इसके लिए हम दो सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हम हार्ट से लंग के फ्लो को इन्वॉल्व करते हैं हार्ट हार्ट से लेके लंग और वापस हार्ट ये सर्कुलेशन इन्वॉल्व किया जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हार्ट और कंप्लीट बॉडी का सर्कुलेशन इन्वॉल्व किया जाता है कंप्लीट बॉडी का सर्कुलेशन कंप्लीट बॉडी सर्कुलेशन अब हम देखते हैं कि राइट एट्रिया राइट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट right वेंट्रिकल में ये ब्लड कौन सा होगा डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद यहां पर ब्लड आ जाएगा किसके अंदर लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कंप्लीट बॉडी में और कंप्लीट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट right एट्रिया में यहाँ पर आपका राइट right एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से लेफ्ट एट्रिया इतना सर्कुलेशन किसके अंदर आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से कंप्लीट बॉडी और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो ये वाला सर्कुलेशन आपका कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें राइट वेंट्रिकल लंग्स और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया है लेफ्ट एट्रिया में इतना सर्कुलेशन आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा जब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के बाद उस ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से जहाँ वहाँ पर ब्लड में डीऑक्सीजनेशन डेवलप होता है तो उस ब्लड को पूरी बॉडी से ला के राइट एट्रिया में डाल दिया जाता है इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और इस सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर एक और चीज़ कि ब्लड जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है ब्लड वेसल्स बेसिकली यहां पर दो टाइप की होंगी कौन कौन सी आर्टरीज एंड सेकेंड इज वेन आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड वेन्स ऑलवेज कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज यहाँ पर आर्टरीज का एक एक्सेप्शन याद है आपको पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी और पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिकर वॉल होती है क्योंकि इनको ब्लड कहाँ ले जाना है पूरी बॉडी में वेन्स की वॉल कम्पेरेटिवली थिनर होती है क्योंकि इनको पूरी बॉडी तक ब्लड सर्कुलेट नहीं करना है आर्टरीज की सब ब्रांचेस कहलाती हैं आर्टीरियोल यहाँ पर एक आर्टरी छोटी छोटी यहाँ पर ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम आर्टीरियोल कहते हैं इन्हीं आर्टीरियोस में और सब ब्रांचेस बनती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है ये कैपिलरीज हमारी पूरी सेल तक अप्रोच करती हैं और ये कैपिलरीज जब अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं तो फाइनली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और इन्हीं कैपिलरीज के मिलने से क्या बन जाते हैं आपके वेन्यूल बन जाती हैं छोटी छोटी वेंस की शॉर्टर फॉर्म बन जाती हैं एंड देन ये वेंस आपस में मिलके ये वेन्यूल्स आपस में मिलके आपके वेन फॉर्मेशन कर लेते हैं यह आपके क्या कर लेते हैं वेन फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यहां पर आर्टरी आर्टीरियोल कैपेलरीज इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं आर्टरी आर्टीरियोल कैपेलरीज कैपेलरीज कैपिलरीज, कैपेलरीज एंड कै, वेन तो यहां पर ब्लड वेसल्स दो टाइप की है Arteries and veins. Arteries carries always oxygenated blood, whereas vein carries always deoxygenated blood. But there is exception. Pulmonary artery and pulmonary vein. Artery की जो wall होती है वो thicker होती है क्योंकि इनको पूरी body में blood circulate करना होता है. उसी तरह vein के अंदर जो wall होती है, muscular wall जो होती है वो thinner होती है क्योंकि उनको पूरी body में blood circulate नहीं करना है. यहाँ पर आर्टरीज की स्मॉल ब्रांचेज आर्टीरियल और आर्टीरियल की और स्मॉल ब्रांचेज को हम कहते हैं कैपिलरी। इन्हीं कैपिलरीज के मिलने से इन्हीं कैपिलरीज जब डी ब्लड कैरी करती हैं तो वेन्यूल बनते हैं और यही वेन्यूल्स कंपाइल होकर वेन फॉर्मेशन करती हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू